आज हम बात कर लेते हैं जो चंडीगढ़ में एक मामला चल रहा है, बड़ा हाईलाइट मामला चल रहा, जो एयरपोर्ट पे जो मामला हुआ, मेंबर पार्लियामेंट कर्णा रावत के साथ में, वो एक बहस थी। और जो लड़की थी जिसको बताते हैं कि इसने थप्पड़ मारा है, थप्पड़ ऊपर कुछ नहीं मारा, वो बहस हुई जब किसान आंदोलन चल रहा, उसने ये बयान दिए कि जो किसान बैठे, जो महिलाएं आती हैं 100-100 रुपया लेकर आंदोलन में बैठती है, उससे आहत थी वो लड़की। उसे सवाल जवाब करे हैं, पूरा पंजाब उस लड़की के साथ में है, जितना उससे गलती हुई वो धारा लगा दो उसमें, लेकिन उसे सस्पेंड करना, नौकरी से बर्खास्त करना, उसकी मॉनिटरिंग करो, जांच करो कि हादसे क्यों हो रहे हैं, क्या फोर्स के लोग तंग नहीं हैं? जय जवान जय किसान का नारा देश में लगता है, जो फौज में बच्चे हैं वे भी अपने ही परिवार से हैं, क्या एक साल तक उनको आतंकवादी नहीं कहा, क्या 13 महीने तक उनकी इंसल्ट नहीं करी? ये दर्द फौज के हर जवान में है, ज्यादा छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है। नेता भी अपने बयानबाजी बंद करें और फिर पंजाब को खालिस्तानी कहना, उसके समर्थक कहना, वे लोग तो आ रहे हैं ना जीत के वहां से, उनको आप जबरदस्ती दबा नहीं सकते। पूरा देश के किसानों के लिए ये कहा गया था, रुक चूक बयान देना नेता भी बंद करें, नई सरकार बन जाएगी किसानों की समस्याओं पे, देश के जवान की समस्याओं पे। आप देखो ना देश के जवान का क्या हाल है, उनके रूम एक बार जो आप उनको देते हो, जो पुलिस के लोग हैं, जीने का अधिकार तो सबका है, जो पुलिस के क्वार्टर है वे भी जाकर देख लो, एक कमरे का क्वार्टर देते हो, दो कमरों का देते हो, उसके परिवार के लोग उसमें नहीं रह सकते, आप जाकर देखो उनके बच्चे किन हालात में रहते हैं, आप जाकर देखो ना वे किन हालातों में ड्यूटी करते हैं, वे कोई यूनियन थोड़ा उनके के वे यूनियन बना के वो कर रहे हैं, वे ड्यूटी दे रहे हैं, 24-24 घंटे की ड्यूटी देते हैं, टेंशन में रहते हैं, जब भी तो आत्महत्याएं और वो हो रही है। तो ये गुस्सा है, गुस्सा क्यों आया उस पर जांच उसकी भी होनी चाहिए, इस पूरे केस की जांच होनी चाहिए, और जांच करके जब फाइनल डिसीजन लो, इसमें ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं, कोई धारा उस पर लगती होगी लगा लियो, बेल हो जाएगी उसकी। आप सबका धन्यवाद, हम उसके परिवार के साथ में, उस लड़की के साथ में, सब लोग उसके साथ में, एक होगी कोई घटना है, होगी होगी गुस्से में, ड्यूटी पे थी, नहीं होना चाहिए, लेकिन गुस्सा कितना होगा आप उसका अंदाजा लगाओ। किसी के माँ बाप के बारे में आप इस तरह की बात करोगे तो आ गया होगा गुस्सा, नहीं आना चाहिए, कंट्रोल सबको भी रखना चाहिए, जो फोर्स में उनको भी रखना चाहिए, लेकिन एक घटना है, इनसे विचार करना चाहिए इन पे कि घटना ये क्यों घट रही है।